चलिए, आवाज आ रही है भैया ऑनलाइन? यस सर। चलो देखो भाई, यहां तक लिख लिया। अब इसके आगे लिखिए भैया, इसी में जीन थेरेपी में लिखिए, हाउ एवर। हाँ अच्छा, बना लो भैया। ये क्या बना दिया है? बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, रात को पढ़ने बैठोगे डर जाओगे। चलिए भैया जल्दी से बनाइए, बातें मत करिए भैया, जल्दी जल्दी बनाइए, बातें मत करिए, जल्दी जल्दी बनाइए। ये सबसे अच्छा बनाया है, इसका वाकई में गर्व लग रही है। फ्रॉक पहना है ना, इसका वाकई में गर्व लग रही है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गर्ल ये देख के भी लग रहा है कि गर्ल है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भी है, जिसको नहीं पता लिख लेना। सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया गया उस गर्ल के अंदर। क्लियर बात है भाई? जल्दी जल्दी करो। परसों आप लोगों का टेस्ट है भाई, पता है ना? कोई बंक नहीं मारेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। रीजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूं। टाइमिंग, टाइमिंग तो योगेश सर डिसाइड करेंगे। आप लोगों की क्लास होगी ना इन साइट वालों की, फिजिक्स की, तो क्लास अगर सुबह बुलाएंगे तो सुबह आपका टेस्ट होगा, शाम को बुलाएंगे तो शाम को टेस्ट होगा, है ना? जब भी होगा बस मेक श्योर कि रीजन ये नहीं होना चाहिए कि सुबह बुला लिया तो आ नहीं पाए, शाम को बुला लिया तो आ नहीं पाए। ठीक भैया, आप पढ़ाई कर रहे हो किसकी? मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो भैया, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। छोटी मोटी चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं सुबह नहीं आ सकता, शाम को नहीं आ सकता। और ये सब एक्सक्यूजेस आप किसको दोगे? आप मुझे कितने दिन दोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल बाद भैया ये एक्सक्यूजेस आपको पूरी दुनिया को देना पड़ेगा, जिस किसी के भी कॉन्टेक्ट में आप हैं, है ना? तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। आप टेस्ट दीजिए और अच्छे से दीजिए। लिख लिया भैया? चलो लिखो। हाउ एवर, इसी के नीचे लिखना, हाउ एवर, हाउ एवर दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, हाउ एवर These genetically engineered lymphocytes also have a definite life span. However, these genetically engineered lymphocytes also have a definite life span after which they will die. After which they will die. इनका भी एक definite life span है जिसके बाद इनकी death हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर, ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए परमानेंट क्योर। देन व्हाट इज द परमानेंट क्योर? क्या भैया इसका कोई परमानेंट क्योर है ही नहीं? है, पक्की बात है भैया? जीन थेरेपी भी तो करके चेक कर लिया आपने, तो फिर क्या करोगे भैया, है ना? जीन थेरेपी आप पढ़ रहे हो और जीन थेरेपी ही फेल हो गई आपकी, तो क्या करोगे आप अब अच्छी वाली जीन थेरेपी करोगे, मॉडिफाइड जीन थेरेपी करोगे, बेहतरीन जीन थेरेपी करोगे। लिखिए, फोर्थ ट्रीटमेंट, फोर्थ ट्रीटमेंट।
लिखिए भैया फोर्थ ट्रीटमेंट, चौथे नंबर का ट्रीटमेंट लिखिए, फोर्थ लिखिए भैया जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये है चौथा ट्रीटमेंट भैया। आप जीन थेरेपी कब करो? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करो, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब देखो भैया क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। ये सपोज करिए भैया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप मानो ये एक जायगोट है, क्या है? जायगोट। और इस जायगोट में डिटेक्ट हुआ है क्या, क्या डिटेक्ट हुआ है? एडीए डिफिशियंसी, है ना, इसके एडीए जीन में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ, या फिर जायगोट बनने के बाद डॉक्टर जैसे भी कर पाया, जायगोट बनने के बाद पता चल गई ये बात की प्रॉब्लम है। आपको पता जायगोट में कितनी सेल? एक, है ना भैया, सिंगल सेल है, डन बात है भैया। और आप मान के चलो इसके पास क्या है, इसके पास एबनॉर्मल एडीए जीन है, क्या है? एबनॉर्मल एडीए जीन, अब भैया आपको पता है कि जायगोट में होता है डिवीजन, है ना, और एक से बनती है कितनी सेल? दो, है ना, दो सेल बन गई, और दोनों में गया क्या ये एबनॉर्मल डीएनए, दो से कितनी हो जाएंगी भैया? चार, और चारों में गया ये एबनॉर्मल डीएनए, डन बात है भैया। अब आपको क्या करना है भैया, जब ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही थी, जब जायगोट से आइदर सिर्फ दो सेल बनी थी और सिर्फ चार सेल बनी थी, उसी समय आप एक फंक्शनल एडीए जीन ले आओ और ले आकर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके इनको रिप्लेस कर दो। उसके पास चार ही सेल्स थी, चार ही सेल्स में जीन था, कौन सा? एडीए डिसफंक्शनल। आप उन चारों को रिप्लेस करके वहां पे डाल दिए कौन सा? नॉर्मल वाला। कौन सा डाल दिए? नॉर्मल वाला। अब क्या होगा जब आप यहां पे नॉर्मल वाला जीन इंट्रोड्यूस करोगे भैया और इनको रिमूव कर दोगे, तो वो नॉर्मल वाला जीन ही सिर्फ बचेगा इसके पास, इसके पास कोई एबनॉर्मल जीन नहीं है। एबनॉर्मल जीन जितने थे आपने पूरी सेल ही खत्म कर दी, एबनॉर्मल वाली सेल खत्म करके नॉर्मल वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। अब आगे समस्या आएगी क्या? नहीं आएगी। दिस इज द परमानेंट क्योर, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये तब पॉसिबल है जब अर्ली डायग्नोसिस हो, एकदम अर्ली डायग्नोसिस होगी तभी होगा भैया। इसीलिए जीन थेरेपी के डेफिनेशन में जहां मैंने आपको क्या लिखाया था, कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन विच वी डिलीवर ए फंक्शनल जीन विच ओवरटेक द फंक्शन ऑफ द नॉन फंक्शनल जीन, आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है भैया व्हेन डायग्नोस्ड अर्ली, अर्ली डायग्नोसिस होगी तभी, और अर्ली का मतलब क्या? एट एम्ब्रियो स्टेज, जब एम्ब्रियो स्टेज में आप डायग्नोस कर लोगे तभी ये चीज पॉसिबल है भैया। अब क्या करोगे आप? अब आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे फंक्शनल जीन,
फंक्शनल एडीए जीन। ऑनलाइन में भी अगर दिख नहीं रहा है तो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं फंक्शनल एडीए जीन, ये जो नया वाला आपने बनाया है, दिस इज कैरिंग द फंक्शनल। ये आपने इसको क्या किया भैया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया और यहां पे डाल दिया फंक्शनल एडीए जीन। दिस इज फंक्शनल एडीए जीन। अब इसके पास फंक्शनल एडीए जीन है और अब इसको कोई समस्या नहीं है। क्लियर बात है भैया? ठीक है, तो अब इसके नीचे आप लिखिए एक लाइन जो वहां पे नहीं लिखाया था, यहां पे लिखवा देता हूं। लिखिए भैया, इसके नीचे लिखो, बना लो, पहले बना लो फिर लिखो। थोड़ा तेज बनाना भैया, बहुत स्लो नहीं है ना, जल्दी जल्दी गोला ही तो बनाना है और क्या करना है। गोला बनाते जाओ, बीच में से फाड़ते जाओ, एक से दो, दो से चार। और क्या पूछेंगे भाई, वो कैसा रहा भैया आप लोग का एग्जाम? बाकी लोग मजा आया? हो गया फीलिंग लाइट? बोला था ना आप लोगों को, परेशान मत हुआ करिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं। लेट देम थिंक बियॉन्ड देयर लिमिट्स, है ना, जब वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाके सोचेंगे तब भी आपकी सोच के आधे तक नहीं पहुंचेंगे, है ना भैया? महसूस किया होगा आप लोगों ने पेपर देते समय, ये वो जितना सोच सकते हैं सोचने दें, है ना भैया? मैम है या सर? मैम, आपकी भी मैम, हर जगह मैम है भैया, हम ही पता नहीं कहां से सर हो गए। आईसीएससी बोर्ड ना भैया, दुश्मन है वो, आईसीएससी बोर्ड का मतलब समझते हैं आप भैया, दुश्मन है किसके, सीबीएसई के। दो अलग बोर्ड्स हैं, एक दूसरे से कैसे बन सकती है, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बोला कहां ये लिखा हुआ है, ये बोला तो आपने उनसे ये नहीं बोला कि आप अगर एग्जाम ले रहे हो मेरा तो आप ये टेस्ट कर रहे हो कि आपकी बुक में क्या लिखा है। देखो बोर्ड में जब कोई चेकिंग होगी, फाइनल चेकिंग होगी, तो वो ओवरऑल आपका टेस्ट होगा। ये कैसे वो कह सकते हैं कि आपने कहां से लिख दिया, जो मैंने बुक बताई उसमें ये नहीं लिखा है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है भैया? मैम का फोन नंबर अलोंग विद द नेम एड्रेस देना मुझे, है ना, देना मुझे, मैं देखता हूं क्या फंक्शनल एडीए जीन जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है, है ना। देखे भैया, हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर उन्होंने ये किया है तो ये बहुत ही गलत है, है ना। अगर मैं उनकी कंप्लेन कर दूं ना भैया, नौकरी चली जाएगी, है ना। नहीं अगर पढ़ाती होती तो ये करती क्यों? ये करके उन्होंने साबित किया कि उनको पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, ऑल दैट मैटर्स इज ईगो ओनली, बस और कुछ नहीं भैया, है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है आप कहां से लिखे, आप गलत साबित करो ना उसको कि वो गलत लिखा हुआ है। आप ये बताओ कि ये गलत लिखा हुआ है, कहां से लिखे, ये कब से मैटर करने लगा भाई? फेल करने की अथॉरिटी आगे तो उनकी नहीं है ना, आप लोगों को आगे तो नहीं फेल कर सकती ना। नंबर भेजना, मैं बात करता हूँ जरा उनसे, है ना, मैं बोलता हूँ उनको भैया कि ये आपने किस बिहाफ पे नंबर काटा, और अगर आपने इस बिहाफ पे काटा कि ये आपकी बुक में नहीं दूसरी बुक में लिखा हुआ है, तो क्या बाकी दुनिया की सारी बुक गलत है? हमारे मैडम तो मतलब देखते हैं, मतलब सही लिखा है, कहां से लिखो मारे? चलो भाई देखो, हाँ बोलो, हो जाएगा भाई। मैं अब क्या चाहते हो, मैं इससे आगे और फाड़ू एक और गोला बनाऊ और फाड़ू और गोला बनाऊ और फाड़ू? कहने का मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक का है, जितना अर्ली होगा उतना आसान होगा, है ना।
अर्ली एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड स्टेज, जितना जल्दी कर लोगे उतना आसान होगा भैया, क्योंकि आपको पूरी तरीके से रिप्लेस करना है ना, तो अर्ली टू अर्ली करो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया उन्होंने, आप आपकी औकात के हिसाब पे है कि आप कितना कितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके रिप्लेस कर सकते हो भैया। हाँ, अब ये मत कहना कि बैठ के बिलियंस ऑफ सेल रिप्लेस करना बैठ गए पैदा होने के बाद, है ना भैया, जब मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल बन गई तो फिर सवाल नहीं उठता। यही बात आप लिखेंगे भैया, लिखो इसके आगे, इसके आगे लिखो भैया, दिस इज अ परमानेंट क्योर, दिस इज अ परमानेंट क्योर। बस हो गया भाई, दिस इज अ परमानेंट क्योर। This is a permanent cure, but possible only. This is a permanent cure, but possible only when the disorder is diagnosed at embryonic stage. अच्छा, embryonic लिखने के बाद भैया oblique लगा के लिख दो, childhood stage, कहीं कहीं childhood भी लिखा हुआ है भैया, मतलब बच्चा लिख दिया कि बच्चे में भी आप कर सकते हो, हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है भैया, कह रहे हैं अगर छोटा सा बच्चा हो तब भी आप एक बार ये काम कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है तो आप लिख लो भैया। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है भैया, ये सब दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर एक्सट्रीम परसिस्टन, बहुत हाई। आपको लगता है इसे कोई नॉर्मल काम कर पाएगा? ये जीन थेरेपी नॉर्मल काम नहीं है भैया, एक्सट्रीम परसिस्टन तो चाहिए, और आप मेडिकल की चीज में अगर घुसे हुए ना भैया, तो हर चीज में वो होगा जो आप बोल रहे हो। किसी भी चीज को करने जाओगे आप भैया, ब्रेन की सर्जरी करने बैठोगे ना भैया, वहां पे इतनी भी गुंजाइश नहीं है, इतनी भी, इधर से इधर हुए आप कुछ ऐसा काट दोगे कि उसका सब कुछ कट जाएगा, समझे, उसका सब कुछ कर जाएगा भैया। ठीक है, क्या लिखा आपने भैया? दिस इज ए परमानेंट क्योर बट पॉसिबल ओनली व्हेन द डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑब्लिक चाइल्डहुड स्टेज। लिख लिया भैया, तो दैट्स ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। कितने ट्रीटमेंट है आपके पास भैया? 4, जिसमें से पहले 3 टेम्पोररी है, परमानेंट क्योर सिर्फ एक है। कौन सा? जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज भैया। अब मैं आपको बता देता हूं नीट में सवाल क्या आएगा, है ना, सवाल क्या आएगा, ध्यान से सुनिए भैया। वो पूछेंगे फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन टू, सवाल का जवाब होगा भैया क्या, 4-year-old girl, कब? 1990। दूसरा सवाल पूछेंगे दैट 4-year-old girl वाज सफरिंग फ्रॉम ADA deficiency, है ना, फुल फॉर्म एडिनोसिन डीएमिनेज, नॉट डाई, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी से सफर कर रही थी, या पूछेंगे इस एंजाइम से एक्चुअली होता क्या है, तो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, तो अगर ये एंजाइम डेफिशियंट है तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगला आपसे वो पूछेंगे कि Which of the following is not a treatment of the ADA deficiency? इन चारों में से कोई 3 लिखेंगे, एक कोई फर्जी सी बात लिख देंगे, या फिर एक सवाल वो पूछ सकते हैं, Which of the following is the permanent cure of ADA deficiency? तो जवाब क्या होगा आपका भैया? जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अच्छा, ADA deficiency आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, बट ये बातें किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए है भैया। आप तभी ट्रीट कर सकते हो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पिक कर लो, अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पिक नहीं किए तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये आपने इंट्रोड्यूस किया ना इसमें फंक्शनल ADA जीन ने, तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इस फंक्शनल ADA जीन को वहां पे डालें। ठीक है भैया, ये थी पूरी जीन थेरेपी आपका खत्म, और अब आपका खत्म हो गया पूरा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, पूरी तरीके से खत्म हो गया भैया। ठीक है, अब आपके पास 2 टॉपिक बचे हैं, एक है ट्रांसजेनिक एनिमल और एक है एथिकल इश्यूज, 2 हैं भैया, है ना। तो कल
कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कल, अगर आप टाइम से जाने की कोशिश करोगे। रुकोगे ना भाई आप लोग कल? कल तो रुकेंगे ना भाई आप लोग? तो कल आप लोग आराम से रुकेंगे, क्योंकि कल ये डीटीएस में खत्म हो जाएगा। वहां ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ा दिया है ना, वहां ट्रांसजेनिक एनिमल खत्म हो गया, एथिकल इश्यूज की शुरुआत हो चुकी है वहां पे, है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी कल आप ये चैप्टर खत्म करोगे, क्वेश्चन भी खत्म करोगे, ठीक है। और ध्यान से, परसों टेस्ट है तो उसका रिवीजन भी कल करोगे। तो कल थोड़ा टाइट होके आइएगा, खा पी के, टिफिन वगैरह लेकर, और आइएगा जरूर, क्योंकि कल क्वेश्चंस करने हैं आपको, छुट्टी मत मारिएगा, ठीक है भैया। तो खत्म हुआ भैया आज का कहानी, कल मिलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल, एथिकल इश्यूज, समरी, एक्सरसाइज, PYQ, सब कुछ करेंगे कल, ठीक है। डन भैया, क्लास खत्म हो गई, ऑनलाइन वालों भी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। Thank you.